महाभारत का है, अंश है गीता ज्ञान, युद्ध महाभारत का है, अंश है गीता ज्ञान। विफल हुए सबके जतन जब बचा न कोई द्वार, विफल हुए सबके जतन जब बचा न कोई द्वार, अब करेंगे फैसला तीर धनुष तलवार है मानव, तीर धनुष तलवार। कर तिलक रणभूमि में चल पड़े रणवीर, कर तिलक रणभूमि में चल पड़े अर्जुन गोविंद पाए। ऐसी प्रीत लगी जियरा पे पीड़ सही ना प्रीत लगी जियरा पे पीड़ सही ना जाए, खींच भुजा गिरधर ने अर्जुन लियो कंठ लगाए है मानव, लियो कंठ लगा। चल पड़े दोनों अवतारी कुरुक्षेत्र की ओर, चल पड़े दोनों अवतारी कुरुक्षेत्र की ओर, एक धनुर्धर वीर अर्जुन दूजा माखन चोर है मानव, माखन चोर। बोले अर्जुन कृष्ण से हाँ को रथ जगदीश, बोले अर्जुन कृष्ण से हाँ को रथ जगदीश, पहुँचो जब दुश्मनों के सम्मुख
देना लगाम को खींच है केशव, देना लगाम को खींच। फिर रुका रथ वीर का जा कौरव के बीच, फिर रुका रथ वीर का जा कौरव के बीच। देख के भीष्म पिता को अर्जुन लगा झुकाने, शीश है मानव लगा झुकाने शीश। उतर गया फिर रथ से अर्जुन, धनुष बाण को छोड़। उतर गया फिर रथ से अर्जुन, धनुष बाण को छोड़। दौड़ पड़ा चरणों को छूने, देखे जब गुरु द्रोण है मानव, देखे जब गुरु द्रोण। गुरु चरणन में तुम चले, कहाँ अकेले पार्थ। गुरु चरणन में तुम चले, कहाँ अकेले पार्थ। जब समय आएगा इसका, मैं चलूंगा साथ है अर्जुन, मैं चलूंगा साथ। बोला अर्जुन हम समय को क्या देखें जगदीश, बोला अर्जुन हम समय को क्या देखें जगदीश। सामने गुरु के चरण है, यहाँ है मेरा शीश है केशव, यहाँ है मेरा शीश। चरण न जाएंगे कहीं तुम, शीश बचाओ पार्थ। चरण न जाएंगे कहीं तुम, शीश बचाओ पार्थ। बीच खड़े हो दुश्मनों के, शस्त्र है सबके हाथ है अर्जुन, शस्त्र है सबके हाथ। अर्जुन देखे सब रथी, सूरत बची न कोई। अर्जुन देखे सब रथी, सूरत बची न कोई। सब थे अपने ही कुटुंब के, दुश्मन दिखा न कोई है केशव, दुश्मन दिखा न कोई। अपनी आंखें बंद करके
अपने ध्यान को अपने हृदय की ओर ले जाएं। एक अंगूठे के समान आकार के प्रकाश को देखने का प्रयत्न करें। इसी प्रकाश का विस्तार पूरे शरीर में होते हुए जाने। इसी प्रकाश के विस्तार को शरीर के बाहर भी होते हुए देखें। आपका कमरा, आपका घर इसी आत्मीय प्रकाश से भरता जा रहा है। इसी आत्मीय प्रकाश को धीरे धीरे पूरे जगत में व्याप्त होता हुआ जाने। इस जगत की हर चीज उसी आत्मीय प्रकाश की वजह से चमक रही है और सब में भी वही आत्मीय प्रकाश जान पड़ता है। वापस ध्यान को हृदय पे ले आए और इस ऊर्जा के स्पंदन को जानने की कोशिश कर। ट्राई टू फील द वाइब्रेशन ऑफ दिस एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। निराकार पर ब्रह्म परमात्मा को नमन करते हुए और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो कि गुरु के रूप में हमें अपना आशीष दे रहे हैं उनको नमन करते हुए आज के दिन और सत्र की शुरुआत करते हैं। आपको कोशिश करनी है कि इस वाइब्रेशन को
आप पूरे सत्र में बनाए रखिए। आंखें खोलें तो भी ऊर्जा का स्पंदन अनुभव हो, आंखें बंद करें तो भी एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कॉन्शियसनेस महसूस। जब हम चेतना में डूबते हैं, धीरे धीरे चैतन्य में डूब जाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वर की कृपा से हम श्रीमद् भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रस्थान त्रयी को समझना जरूरी है, क्योंकि वेदांत दर्शन का जो मूल है वो तीन ग्रंथों में माना गया, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। इन तीनों के समूह को प्रस्थान त्रयी कहते हैं, जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों के बारे में विवेचन किया गया। ये वेदांत के एक तरह से तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। इसमें उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान। ईश्वर की कृपा से लास्ट 2 से 3 सालों में आप लोग ने ब्रह्म सूत्र भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े और गीता की श्रृंखलाओं में अष्टवक्र गीता भी आप पढ़ चुके हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने का सौभाग्य हम सब लोगों को मिल रहा है। भगवान योगेश्वर, भगवान श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन के माध्यम से तब भी जीवन का जो सीक्रेट है वो सब तक पहुंचाया। आज भी वही प्रेरणा है, वही माध्यम है और उन्हीं की इच्छा और कृपा से हम वही सीक्रेट को फिर से समझने का प्रयत्न कर। जो अर्जुन के साथ हुआ था वही हमारे साथ हो रहा है, इसीलिए हमें फिर इस ग्रंथ की जरूरत है। हजारों साल पहले कई आचार्यों ने प्रस्थान त्रयी पर काम किया, बल्कि कोई भी आचार्य जब अपनी बात रखते थे तो सबसे पहले प्रस्थान त्रयी पर काम करते थे, चाहे वो निम्बकाचार्य हो, आदि शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो। ये तीन ग्रंथों पर उनकी अपनी समझ और उनकी अपनी जो धारणाएं हैं वो हमें पढ़ने को जरूर मिलती है। ईश्वर की कहीं कृपा थी कि इन सभी आचार्यों को समझने का भी मौका मिला और भगवत गीता, गीता कहीं ना कहीं गीत का इशारा देता है, यानी भगवान का गीत। 18 अध्याय, 700 श्लोक, और एक महाकाव्य महाभारत का हिस्सा।
किस माहौल में ये बात की जा रही है? जब युद्ध शुरू हो गया, ऑलमोस्ट युद्ध क्षेत्र में हो, यानी एक पोजीशन है डिसीजन मेकिंग की, एक पूरा सीन क्रिएटेड है और उस सीन सिनेरियो में अब एक डिसीजन लेना। देखा जाए तो ऐसी ही तो सिचुएशन हमारे जीवन में होती है, जब कुछ ऐसा होता है जैसे ग्राउंड सेट हो गया है, अब डिसाइड करना है क्या करूं। तो जिस तरह से अनुरागी अर्जुन को भी मोह बंधन या मोहपाश पकड़ेगा, वैसे ही हम सभी लोग भी कहीं ना कहीं बायस्ड होते हैं अपने जीवन में। तो ये हम सभी के लिए हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने आया है। हजारों साल पुराना ग्रंथ तब भी मदद करता था, आज भी मदद कर रहा। वेदांत दर्शन फिलॉसफी नहीं है, प्रस्थान त्रयी फिलॉसफी नहीं है। उसमें जीवन के सीक्रेटिव वैल्यूज हैं। बेशक जो श्रीमद् भगवद गीता में चर्चा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हो रही है, लेकिन उसकी गूंज और आवाज हम तक पहुंच रही। तो जो समझने का विषय है वो ये है कि वॉर का सीन है, लेकिन क्या कोई भी धर्म चाहता है कि युद्ध हो? नहीं। क्या भगवान कृष्ण के प्रयत्न नहीं थे कि महाभारत का युद्ध ना हो? निश्चित तौर पर उन्होंने प्रयत्न किए। संधि का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण ही गए और उन्होंने पूरी कोशिश करी कि ये युद्ध ना हो, लेकिन ये सब उनको पहले से मालूम था। इस पूरे घटनाक्रम में जो हो रहा है वो भगवान कृष्ण, क्योंकि वो ईश्वर हैं, वो सब कुछ जानते थे कि ये सब कुछ होना है। और केवल वही नहीं जानते थे, महर्षि वेदव्यास जी भी पूरी तरह जानते थे, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र ही थे धृतराष्ट्र, पांडु और संतान उत्पत्ति के समय ही उन्हें ये पता था कि धृतराष्ट्र जन्मांध होंगे, पांडु कमजोर होंगे और क्या क्या घटने वाला है। तो जो निश्चित था वो दो लोगों को बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर पता था, फिर भी संधि का प्रस्ताव लेके भगवान श्री कृष्ण गए और वो एफर्ट्स किए गए, लेकिन वो हो नहीं पाया और निश्चित हुआ कि युद्ध होगा। अब जब एक सिचुएशन हमारी लाइफ में बन जाती है, हम चाहें ना चाहें, अब उस सिचुएशन में जब हम पहुंच गए हैं तो हमें क्या करना है? क्या विकार हमारे लिए बेड़ियां बन जाते हैं कि आधार पे डिसीजंस लिए जाएं?
कर्म क्या है, योग क्या है, धर्म की सही परिभाषा क्या है, यही सब हमें श्रीमद् भगवद् गीता से सीखने को मिलती है। पहले अध्याय में जिसे संशय विषाद योग भी कहा गया, अर्जुन विषाद योग भी कहा गया, संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से शुरू होता है और धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से युद्ध भूमि का हाल पूछते हैं। संजय के पास एक दिव्य दृष्टि है, और जिससे कि वो सब कुछ बता पा रहे हैं। दूसरी ओर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन, उनके बीच में संवाद चल रहा है। तो पूरा का पूरा ग्रंथ एक डायलेक्ट है। अब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले भी कई युद्ध लड़े थे। अगर कर्तव्य को देखा जाए तो वो एक क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय का जो धर्म है, कर्तव्य है, वो है अधर्म को मिटाना, धर्म की स्थापना करना, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में पुलिस और मिलिट्री का होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण एक सुपात्र को, एक सही इंसान को प्रेरणा दे रहे हैं। ये जो सेना है वो धृष्टता के राष्ट्र में हो रही है, जो अधर्म पनप रहा है। धृष्टता, धृतराष्ट्र कौन है? धृष्टता से भरा हुआ राष्ट्र, जहां अनुचित ही अनुचित हो रहा है। ऐसा राष्ट्र जिसमें धृष्टता ही धृष्टता है, ऐसे राष्ट्र में अधर्म स्थापित है। वो अर्जुन से बात कर रहे हैं, जो कि अर्जुन जो कि क्षत्रिय है। अर्जुन धर्म से ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है। शस्त्र उठाना और अधर्म का नाश करना, ये उनका कर्तव्य भी है, धर्म भी। तो एक सही इंसान से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य पूरा करो। ये धृष्टता का राष्ट्र है, अधर्म का पूरी तरह अधर्म व्याप्त है। अब समय आ चुका है। दोनों तरफ सेनाएं हैं और अर्जुन कहते हैं कि मध्य में ले जाइए रथ को हमारे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं। अर्जुन बैठे हैं रथ में और वो कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं परिवार के सभी लोगों को। और अर्जुन अनुरागी कहे गए, उनके मन में भाव उठते हैं। पहले अध्याय में भाव उठते हैं, वो शस्त्र हाथ में तो लेके खड़े हैं, लेकिन उनके मन में अब संशय आ रहा है और वो ये समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुझे ये युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब जब उनके मन में संशय आ ही रहा है कि मैं करूं या ना करूं, अनुराग अंदर से वो अनुभव कर रहे हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं किस पर राज करूंगा जब सब खत्म हो जाएंगे, उससे अच्छा ये लोग ही मुझे मार दें, सब नष्ट हो जाएगा, कम से कम कुल बच जाएगा हमारा। अब हम कई सारी चीजें पहले अध्याय में सीखेंगे कि जब स्टूडेंट अपने टीचर के पास आता है तो कई बार सुपर इंटेलिजेंट बनकर आता है और वो टीचर को ही बताता है कि सही गलत क्या है, जैसे अर्जुन पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को बताते कि कुल नाश हो जाएगा तो धर्म नाश हो जाएगा,
और पाप होगा और कई सारी चीजें बताते। तब दूसरे अध्याय में धीरे धीरे समझ आना शुरू करेगा, इनको हो समझ आना शुरू हो जाएगा कि सत्य क्या है। तो यहां पर कई शब्द इस्तेमाल होंगे, जैसे सनातन धर्म। तो सनातन धर्म से मतलब है परमात्मा से मिलाने वाली वो क्रिया, हर वो क्रिया जो परमात्मा के निकट ले जाए, मिला दे, वो सनातन धर्म है। यहां युद्ध जो हो रहा है वो केवल पांडवों और कौरवों के बीच में नहीं हो रहा, दो संपदाओं के बीच में हो रहा है, एक आसुरी संपदा, एक दैवी संपदा। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपके मन में अच्छाई और बुराई, और या फिर ऐसे समझिए कि मोह और विवेक के बीच में युद्ध हो रहा है। अक्सर अपनों के लिए जो मोह होता है वो एक अंधकार का पर्दा सा बना दे, ऐसा सामान्य तौर पर भी होता है। ये जो युद्ध का स्थान है, जिसे हम कुरुक्षेत्र कह रहे हैं, वो सही मायने में हमारा मानवीय शरीर है, हमारा मन है। मन सहित जो इंद्रियां हैं वही युद्ध का क्षेत्र है। श्रीमद् भगवद् गीता जीवन के ऐसे रहस्यों को उजागर करती है। अगर आप योगिक दृष्टि से देखें और अगर आप इस क्षेत्र को समझ जाएं, इसे पार पा लें, मन इंद्रियों के जगत को, तो आप क्षेत्रज्ञ हैं। ईश्वर पहले भी साथ देने के लिए सारथी के रूप में अर्जुन जी के लिए उपस्थित थे। भगवान आज भी ज्ञान देने के लिए और साथ देने के लिए उपस्थित हैं। केवल अर्जुन की जरूरत है, जो को दोनों के दोनों कान खोल के, अपने दिमाग को खोल के, समर्पण के साथ सुनने के लिए तैयार हो। आज भी वही 18 अध्याय दोहराए जा रहे हैं, वही ईश्वर की कृपा से वही ज्ञान दोहराया जा रहा है। अगर जरूरत है तो आज भी उस अर्जुन की है। ईश्वर तब भी ज्ञान देने के लिए उपस्थित थे, साथ देने के लिए उपस्थित थे। ईश्वर आज भी सहायता के लिए, साथ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए उपस्थित हैं। वो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सब जानते हैं, हर स्थान पर हैं। उनका उपलब्ध होना ना होना प्रश्न नहीं, हमारी पात्रता प्रश्न है। जब भी श्रीमद् भगवद् गीता में योग शब्द का प्रयोग हो तो इसका अर्थ समझें संसार के संयोग वियोग से मुक्त होकर उस परमात्मा से जुड़ने का अर्थ योग है। कई बड़े सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल बीच में भी आता रहेगा, निष्काम कर्म योग। जब हम अपने इष्ट पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं, समर्पण कर देते हैं, अपना ध्यान केवल कर्म की ओर ले जाते हैं, फल की ओर नहीं, तो वह निष्काम कर्म योग होगा। और एक और बड़ी बेसिक सी बात, अवतार
जब भगवान एक रूप लेके अर्जुन को दर्शन देंगे तो ये बाहर नहीं होगा। परमात्मा का अवतार केवल व्यक्ति के हृदय में होता है। जिसकी पात्रता है उसे ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। किससे? उसे उस समय दिव्य दृष्टि कहा गया, आज भी हम इसी आंतरिक दृष्टि को दिव्य दृष्टि ही कहेंगे। देवता शब्द कई बार मैंने, जो लोग जुड़े हैं मुझसे कई बार उन्होंने सुना होगा, जो निस्वार्थ देता है वही देवता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है पहला अध्याय, और पहले श्लोक में पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सह माम काहा पांडवेश किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे दो शब्द समवेता युयुत्सह, हे संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धृत राष्ट्र वह राष्ट्र जो धृष्टता से भरा है, और धृतराष्ट्र कौन है? जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं। किस चीज का अंधकार है उनको? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि केवल उन पे आंखें नहीं है? तो सबसे पहले दो कैरेक्टर्स की चर्चा हो रही है। वो सवाल पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो इन तीन शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। कुरुक्षेत्र क्या है, संजय कौन है, धृतराष्ट्र कौन है? प्रश्न तो बहुत आसान है कि संजय बताओ इस धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में जो लोग इकट्ठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। बड़े इच्छुक हैं धृतराष्ट्र जी जानने में। तो धृतराष्ट्र हमारे अंदर का अंधकार है, संजय संयम है। ये जो अंधकार है ये मोह के रूप में है। मोह को इंग्लिश में बोलते हैं अटैचमेंट, और इसी मोह को काटेंगे कौन? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। ऐसी ही परीक्षा हमारे बीच में भी होती है बार बार। मोह हमारे बेड़ियां बनकर हमारे पांव को जकड़ लेता है। तो जो धृष्टता से भरा हुआ राष्ट्र है वह धृतराष्ट्र कौन है? जन्मांध है, जन्म से अंधे हैं। और संजय उनके लिए मीडियम है जिनके थ्रू वो पूरा ब्यौरा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। दुर्योधन मोह का स्वरूप है, इसीलिए धृतराष्ट्र की जो दृष्टि है वो केवल मोह पर बनी है, यानी कौरवों पर टिकी है। वो पूछ तो रहे हैं कुरुक्षेत्र के बारे में, लेकिन एक्चुअली वो ये जानना चाहते हैं कि कौरवों की पोजीशन कितनी स्ट्रांग है। व्यक्ति का जो अज्ञान होता है उसका जो उसमें भी अज्ञान में अविद्याओं में जो मोह है, आप लोगों ने अवेकनिंग विजडम में अविद्याओं को पढ़ा, उसमें मोह यानी अटैचमेंट एक बड़ा बेसिक अविद्या है, अज्ञान है। और जब भी हम आसुरी संपदाओं की बात करेंगे, अज्ञान की बात करेंगे, तो मोह को ग्राउंड मानेंगे, बेस मानेंगे।
और हमारे भीतर भी इस तरीके का अंधकार अज्ञान होता है, जैसा मैंने कहा ये शरीर क्षेत्र है। जब हमारे हृदय क्षेत्र में दैवी संपदा व्याप्त तो होती है, तब हम इस शरीर को बोलते हैं धर्म क्षेत्र। और जब इसके अंदर आसुरी संपदा दैवी संपदा से ज्यादा बड़ी होती है, तब हम इसे बोलते हैं कुरु क्षेत्र। कुरु मीन्स करो। अब कुछ करने की जरूरत है, अधर्म जो है वो बढ़ रहा है, धर्म की स्थापना होनी है, दैवी संपदा को बढ़ाना है, कुछ करो। और कुरुक्षेत्र एक स्थान होगा जो दिल्ली के पास होगा, शायद 3 घंटे में यहां से पहुंच सकते होंगे, लेकिन सच मायने में हम आज और शायद हमेशा हमारे अंदर व्याप्त कुरुक्षेत्र को समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे अंदर भी दैवी और आसुरी संपदाओं के बीच में युद्ध है, तो हम भी कुरुक्षेत्र ही हमारे अंदर एक तरीके से व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रज सत और तम, इनसे प्रभावित होकर ही इंसान अपने कर्म करता है। कर्म उसके निरंतर चलते रहते हैं और यही कर्म उसके लिए बंधन बनते हैं। अच्छे कर्म उसे तारते हैं और बुरे कर्म क्या करते हैं, डुबाने लगते हैं, उसे डुबाने लग जाते हैं। जो इस क्षेत्र को, शरीर को पार कर लेता है, वो क्षेत्रज्ञ है। जब हम अपनी मन इंद्रियों को जानने का प्रयास करते हैं, एक सिंपल प्रोसेस से, कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू उन्हें स्मार्टली हैंडल कर पाते हैं, तब सही मायने में एक क्षेत्रज्ञ है। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी उस क्षेत्र का हिस्सा है। हमें इन सब पर ही एक तरह से विजय प्राप्त करनी है। और इस पूरी जो कुरुक्षेत्र हमारे अंदर चल रहा है, इसमें ईश्वर की प्रेजेंस, उनकी सहायता, उनका ज्ञान हमेशा उपलब्ध है। अर्जुन की तरह जब हम किसी प्रकाशित व्यक्तित्व के संपर्क में आते हैं, तो दैवी संपदा अपने आप हमारे अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारा अंधकार अपने आप धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाता है और ज्ञान का प्रकाश स्वतः ही जागृत होने लगता है। ईश्वर का सानिध्य सब कुछ है। हम श्लोक को सुनते हैं और फिर चर्चा आके कंटिन्यू करेंगे।
संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अब संजय बताना शुरू करते हैं दूसरे श्लोक में कि दुर्योधन जो हैं वो द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। यहां पर अर्थ को गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे कि जब इंसान अपने आप को परमात्मा से अलग मानता है तो उसमें द्वैत होता है। जब वो अपने अंदर बाहर सब में ईश्वर को देखता है, एक भाव में रहता है, एक ईश्वर में स्थित होता है, तो उसे तो वो अद्वैत में होता है। जब कुछ और पाना बाकी नहीं। और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि मोह सारी व्याधियों का, संपूर्ण व्याधियों का मूल है। जब तक मोह नष्ट नहीं होता, अज्ञान का अंत नहीं होता। माया मोह की मदद से हमें या हमारे अंतःकरण को पकड़ कर रखती है। तो हमारे विकारों का अंत कब तक नहीं होगा? जब तक मोह नष्ट नहीं होगा। दुर्योधन, दुर्यो धन, दूषित धन, और जो हमारी आत्मिक स्थिति है, जब तक वो स्थित नहीं होते, हम आत्मा में स्थिर नहीं हो जाते, हम बाहर प्रकृति से दूषित धन इकट्ठा करने का प्रयत्न करते रहते हैं, मोह उत्पन्न होता रहता है। जब इसका अर्थ क्या है? जब तक आत्मीयता नहीं आती, आत्मा में हम स्थित नहीं होते, बाहरी जगत ही हमारे लिए वो खजाना है जिससे हमें धन लेना है। जब आत्मीय जगत में स्थित हो जाते हैं तो बाहर के धन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। तो इधर तो अर्जुन अंदर से सोच रहे हैं कि मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, ये चीज चल रही है। और उधर हम बात कर रहे हैं कि दुर्योधन जो हैं वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं। द्रोणाचार्य द्वैत को, द्रोण मीन्स जो द्वैत का इशारा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखते हैं हम कि द्रोणाचार्य में वो भेद था, उनके स्वभाव में वो भेद था। वो बताते हैं कि देखिए क्या स्थिति है युद्ध की, दुर्योधन। और इधर अर्जुन जो हैं वो अधीर हो रहे हैं। हम आगे के श्लोकों में देखते हैं कि अर्जुन अधीर हो रहे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मुझे तो सब और परिवार ही दिख रहा है, गुरु लोग दिख रहे हैं, रिश्तेदार दिख रहे हैं। तो हम सीन देख पा रहे हैं कि कितने सारे, दुर्योधन का ध्यान किधर जा रहा है कि कौन 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 से अस्त्र लिए खड़े हैं, कितनी शक्तिशाली हमारी सेना है, उनकी ओर कौन कौन है, उनमें कौन कौन खड़ा है दिख रहा है, उनपे क्या क्या है, कौन सा शंख, कौन से वेपन्स। तो दुर्योधन अभी भी शक्ति पाने में इच्छुक है, इसलिए वो अभी भी यही देख रहा है बल कितना है यहां और बल कितना है वहां।
दूसरी साइड पहले ही अध्याय में अर्जुन की तरफ फोकस जाता है, जो अनुरागी हैं, जो ये सोच रहे हैं कि इधर भी मेरा परिवार, उधर भी मेरा परिवार, मेरे गुरुजन मुझे सामने दिखते हैं, मेरे दादाश्री दिखते हैं, भाई भतीजे बच्चे दिखते हैं, और मैं किसके विरुद्ध ये शस्त्र उठाऊं, ये एक्शन जो ले रहा हूं किसके अगेंस्ट ले रहा हूं, उसमें करुणा भी पैदा हो रही है, दुख भी पैदा हो रहा है। और वो भगवान श्री कृष्ण से कह रहे कि मेरा शरीर तो शिथिल होता जा रहा है, मेरा गांडीव गिर रहा है। वो इतने ज्यादा अंदर से इसको फील कर रहे हैं कि उनको ज्वर हो जाता है, बुखार जैसा होने लगता है। वो कहते हैं मैं असमर्थ हूं, मैं सबको मार भी दूंगा तो किस पे राज करूंगा, कोई बचेगा ही नहीं, सब मुझे अपने नजर आ रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि अनुरागी अर्जुन भी अज्ञान में है, मोह में है, हालांकि उनका स्वभाव अनुरागी करुणामयी है, लेकिन पूरी तरह वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो इस अध्याय में कुल नाश को धर्म नाश समझेंगे और ये समझेंगे कि मैं मार रहा हूं, मैं कर रहा हूं। कहीं ना कहीं उनका अहंकार भी इसमें दिखेगा छुपा हुआ, इस करुणा के पीछे। भगवान अर्जुन को देखकर सोचते हैं कि अर्जुन तुम पीछे, क्योंकि देख रहे हैं कि अर्जुन पीछे हट रहा है। अर्जुन बोलते हैं हे मधुसूदन, मुझे क्या लाभ होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस समय भाव क्या है, करुणा है, अनुराग है, प्रेम है, और ये स्थितियां सामान्य तौर पर भी लोगों में बनती हैं। तो कई कैरेक्टर्स हैं, अभी तक संजय की बात आई, धृत राष्ट्र की बात आई, दुर्योधन की बात आई, द्रोणाचार्य की बात आई, धनुर्धारी अर्जुन जी की बात आई, और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा भी कई कैरेक्टर्स का वर्णन, क्योंकि पूरा सीन समझाया जाता है, कौन कौन इधर है, कौन उधर है, वो पहले अध्याय में आता है, किस पे क्या शस्त्र हैं, कौन से शंख हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरीके से उलझन की स्थिति है, स्ट्रेस की स्थिति है, डिसीजन मेकिंग का इश्यू है, और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मोह का नाश करेंगे आगे। पर अर्जुन को समर्पण पूरी तरह से दिखाना होगा, हर शब्द को, हर वाक्य को अंतःकरण तक ले जाना होगा, अज्ञान का नाश समर्पण के आधार पर होता, ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण समर्पण के आधार पर होती है। जैसे जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते जाएंगे, उनकी सुपात्रता बढ़ती जाएगी, और तभी एक दिन उनको ईश्वर के दिव्य दर्शन होंगे। तो पूरा का पूरा जो सीन है महाभारत का, उस कुरुक्षेत्र को अपने अंदर लेकर आना है और यथार्थ में ये समझने की कोशिश करनी है कि हम कैसे कैसे ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं, किस तरीके का ज्ञान हम में व्याप्त होता है,
हम कई बार अपने जीवन में कुछ करते हुए कदम बढ़ा नहीं पाते, झिझकते हैं, सोचते रहते हैं, भ्रम में आते हैं, भ्रांतियों में आते हैं, ज्ञान में अंधकार में फंसे होते हैं और समझ नहीं पाते कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में ईश्वर की शरण, हमें मदद करते। समर्पण मदद करता है। तो ईश्वर की कृपा होती है तो यही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाता है। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाती है, हम देखते हैं कि अर्जुन फंस रहे हैं और अपने ही भावों में उनको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूं। ये स्थिति वैसे ही है जैसे कि एक पुलिस वाले का कर्तव्य है कि अब वो कुछ लोग जो गलत काम कर रहे हैं उनको पकड़े, उन्हें रोके। या ऐसे समझिए कि जैसे दो आर्मीज हैं, दो कंट्रीज के बीच में वॉर होता है, दो आर्मीज हैं। तो कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट है, लेकिन इट इज देयर ड्यूटी टू डू व्हाट दे आर डूइंग। हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो व्हाट इज आर ड्यूटी एंड व्हाट आर वी डूइंग। असमंजस होना हमारे अंदर के कुरुक्षेत्र में दैवी और आसुरी संपदाओं के बीच में कंफ्लिक्ट आना, राइट एंड रॉन्ग के बीच में कंफ्यूजन आना स्वाभाविक है। सही गलत के बीच में निर्णय लेना कई बार मुश्किल है और यही स्थिति है जिसमें अर्जुन है और यही स्थिति है जिसमें भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद कर। आगे श्लोक सुनते हैं और उसके बाद फिर इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितृरथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखी सथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनः स्थितान् कृपया परया विष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। एग्जैक्टली वही हो रहा है जो हमारे साथ होता है कि हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं जैसे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा कांप रहा है हाथ, शरीर कांप रहा है, मुझे ज्वर आ रहा है, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। अब जबकि कुरुक्षेत्र में सब सेट है, अब जब सब कुछ प्लान हो गया, फाइनल हो गया, दोनों आर्मी सामने आ गए, अब आपको आगे बढ़ना है। देखिए फर्स्ट फर्स्ट
फुट अहेड, बस यहां करने में अर्जुन झिझक रहे। अगर यही भाव था, यही अनुराग था, तो ये पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन सब कुछ होने के बाद लास्ट मोमेंट पे वो क्या बता रहे हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। वो अपने आप को अधीर महसूस कर रहे हैं, दुखी महसूस कर रहे हैं, परेशान महसूस कर रहे हैं। अगर सामान्य दृष्टि से देखिए तो इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि सही है, अपनों को मारना कहाँ की समझदारी है, छोड़ दो वो पैसा, छोड़ दो वो चीजें। पर क्या अर्जुन राज्य पाने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ये कुरुक्षेत्र आसुरी संपदा को नष्ट करने के लिए हो रहा है, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाए इसीलिए दैवी संपदा को स्थापित करने के लिए ये युद्ध हो रहा है। स्थितियां जीवन में सबके लिए अलग-अलग तरीके से आती हैं, लेकिन यही जानना और हमें समझना है कि क्या सही और कब सही है। वो कहते हैं कि हे ईश्वर, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, जो धृष्टता का राष्ट्र है धृतराष्ट्र, उनसे उत्पन्न जो मोह रूपी दुर्योधन है। अब आप सोचिए, मोह का ही तो नष्ट करना है और अंधकार को ही तो मिटाना है, यही तो उद्देश्य है इस जीवन का। हम मोह में जकड़े हैं और अंधकार का सबसे बड़ा शस्त्र ही मोह है। धृतराष्ट्र कौन है? अंधकार। अंधकार यानी अज्ञान, और अज्ञान और अंधकार का सबसे बड़ा पावरफुल टूल कौन है? मोह यानी दुर्योधन। आप ये जानिए, धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी पावर कौन थे? दुर्योधन। राष्ट्र किसका है? धृतराष्ट्र का, यानी अंधकार व्याप्त है। राजा कौन है? अंधकार। अंधकार का सबसे पावरफुल टूल कौन है? मोह। अगर मोह नष्ट तो अंधकार कमजोर, अज्ञान कमजोर। तो यहां धृतराष्ट्र मीन धृष्टता का राष्ट्र, और उससे उत्पन्न कौन हुआ? दुर्योधन। उनके पुत्र थे ना धृतराष्ट्र के, और दुर्योधन कौन है? मोह रूपी। अगर मोह का नाश होगा तो अंधकार जो है, ये जो अंधकार है, ये कमजोर पड़ जाएगा, उसका राज्य चल नहीं पाएगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि इन सबको मारकर हमें पाप ही लगेगा, और ऐसे छोटे मोटे तुच्छ लाभ के लिए ये अनीति हो जाएगी। तो क्या हमें ये करना चाहिए? और ये कब बात कर रहे हैं? वॉर फ्रंट पर, व्हेन एवरीथिंग इज रेडी स्टेडी को, उस लेवल पर। तब की सबसे बड़े आतंकी कौन है हमारे आत्मदर्शन में? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जो आत्मा के पथ में जो अवरोध पैदा करते हैं वो यही बाधक हैं। अंधकार या विद्या का नाश करना है तो मोह का नाश करना होगा। और बाकी की सेना में कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मुझे नहीं लगता कि हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों का को मारना चाहिए, हम योग्य हैं।
और अगर वो शत्रु हैं, शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, तो वो तो कोई मामा है, कोई और रिश्तेदार है, पर ये सब तो अज्ञानी तो है। ये शरीर नश्वर है, तो इसके रिश्ते ही कहां रहेंगे? अब आप सोचिए कि अगर मोह नष्ट हो जाता है, तो जो बॉन्ड जो दो लोगों को बांधता है वो नष्ट हो जाता है। प्यार एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है जो एग्जिस्ट करती है, वो बांधती नहीं। कोई कितना भी दूर जाए, कभी भी जाए, वो एग्जिस्ट करती है। उसका बल बहुत गजब होता है, लेकिन मोह बांधता है। परिवार, मेरे अपने, तो मोह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अर्जुन भी कहीं ना कहीं अनुरागी होते हुए भी मोह में पड़ रहे हैं, इसीलिए उनको अभी वो सब अपने दिख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं अपने कुटुंब को मारकर कैसे सुखी हो सकता हूं? और अगर मोह नहीं होगा तो आप सोचिए कुटुंब का क्या अस्तित्व है। तो यहां पर अर्जुन को लग रहा है वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत ब्राइट बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपने मोह को दर्शा रहे हैं और वो अनुरागी हैं, लेकिन इस समय अज्ञान में है। जैसे जैसे इंसान में मोह नष्ट होता है, प्रेम और बढ़ने लगता है। अपना पराया, इसका भेद नष्ट हो जाता है। ये पूरा कुटुंब आपका कुटुंब है और सब में ईश्वर का स्वरूप व्याप्त है, यह आपको पता चल जाता है। मैं और मेरा का भेद नष्ट हो जाता है। आपकी जो ड्यूटी है, जिसके लिए आप इस संसार में आए, आप उसे बिना फल की इच्छा के करने की कोशिश करते हो। वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी लोभ में आके कुल नाश के दोष को नहीं ले सकता। और अर्जुन को यह भी डाउट होगा कि ये जो कुल नाश है, ये धर्म नाश है। आगे भगवान समझाएंगे कि कुल नाश धर्म नाश नहीं होता। वो कहते हैं कि ये जो कुल नाश से होने वाले दोष होंगे, हम पे उसके पाप लगेंगे, हमें इस पर विचार करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, और वो भगवान श्री कृष्ण को ही कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनपे भी आरोप लगा रहे हैं कि आप सोचो हम गलती तो नहीं कर रहे। तो वही बात जो मैंने कही कि कई बार स्टूडेंट समझता है वो बहुत ओवर इंटेलिजेंट है, गुरु बड़े धैर्य से सुनता है और सोचता है शुरू कहां से करूं। ईश्वर से प्रार्थना करता है कि पूर्ण गुरु तो केवल आप ही हैं, अगर आपकी कृपा बनी रही तो एक शब्द भी जो मुख से निकलेगा वो उसके अंतःकरण को प्रकाशित कर देगा। और भगवान श्री कृष्ण की मैं समझता हूं कि कितनी उनकी कृपा है कि वो एक शब्द नहीं, वो तो 700 श्लोक में बहुत सारे श्लोक हैं उनके, कितनी बात वो वैल्यूबल बोलते हैं। तो अभी वह समझ में अपने आप को, उनको भगवान श्री कृष्ण समझ रहे हैं कि ये किस परेशानी में है और किस दुविधा में फंसे हैं। और मैंने ये भी कहा कि हर नया साधक भी
गुरु की शरण में आता है तो तर्कों के साथ आता है, बहुत सारी जानकारी। आजकल तो गूगल गूगलिंग करके लोग क्वेश्चन पूछते हैं और 10 आंसर जानते हैं और उनमें से देखते हैं गुरु कौन सा वाला बताएगा और फिर उसे वैलिडेट करते हैं कि यस यू नो द आंसर। शुक्र है अर्जुन जी ने गूगलिंग नहीं की थी, पर उनकी जो भी नॉलेज थी वो उसके बेसिस पर एक ह्यूमन की तरह बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इनका ध्यान आत्म तत्व तक लेके जाएंगे, ईश्वरीय तत्व तक लेके जाएंगे और फिर समझाएंगे कि तुम कौन हो और आज जो तुम जिसको परिवार कह रहे हो वो क्या है, क्या बंधन है, क्या ज्ञान है। तो जो 40वां श्लोक है उसमें कुल नाश के बारे में चर्चा आती है कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन अब चिंता में है कि कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझता है वे, और वो कहता है कि अगर कुल का नाश हो गया तो धर्म का नाश होगा। उनके मन में बहुत सारी सिचुएशंस आ रही हैं कि क्या क्या होगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी इसके बाद। वो आउटकम सोच रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये युद्ध ना हो। इससे पितरों को क्या परेशानी होगी, हमारा वर्तमान नष्ट हो जाएगा, पितर गिर जाएंगे, भविष्य गिर जाएंगे। तो कई तरीके के तर्क दे रहे हैं, कंटिन्यूसली अपनी बात रख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण धैर्य के साथ उनमें व्याप्त मोह को समझ रहे हैं कि इस समय अनुरागी अर्जुन मोह में है और वो अपना कर्म करने से पीछे हट रहे हैं। मैं और मेरा उनमें बहुत स्ट्रांग है इस समय। तो जैसा मैंने कहा कि अर्जुन मानता है कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, पर भगवान श्री कृष्ण इसका खंडन करते हैं आगे और बताते हैं कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है, आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक जो सनातन धर्म है उसे जानने से पहले इंसान को चाहिए कि वो आत्मीयता या आत्मा को समझे। अक्सर लोग किसी ना किसी रूढ़िवादी चीज को पकड़ लेते हैं, उन्हें जान जाते हैं और उसे ही सनातन समझ बैठते हैं। आगे श्लोक को सुनते हैं और फिर उस पर चर्चा करते चलें। न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगै जीवितेन वा येषा मध्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुभाष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च किस तरीके का भाव आ रहा है? कुल का नाश हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, पितृ का ऐसा होगा, बहुत सारे लॉजिक एंड रीजन दे रहे हैं। सबके पीछे माया और मेरा छुपा है, सबके पीछे मोह छुपा है और डाउट आ रहा है कि मैं अपना कर्म करूं या ना करूं। पतन्ति पितरो येषां मृत पिण्डोदक क्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साध्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहोबत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतीकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अब एक नया थॉट उनके मन में आता है कि इससे अच्छा तो ये हो कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो ही मुझे मार दे, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुल धर्म नष्ट हुए वे कुल धर्म वाले मनुष्य को अनंत काल तक नरक प्राप्त होता है, वो वास करते हैं वहां पे, और केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होगा, शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा। ये अर्जुन के तर्क हैं। अभी धर्म नष्ट हो जाएगा तो अनंत काल तक सब नरक में निवास करेंगे, शोक है उनके मन में। उन्हें लग रहा है महापाप के लिए तैयार हो रहे हैं, तबकि युद्ध उन्होंने पहले भी लड़े थे, लेकिन मोह में पहली बार फंसे, अपनों से पहली बार लड़ रहे हैं और ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अपने अधर्म करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं उन अपनों को समझाया नहीं गया, लेकिन जब धृतराष्ट्र जो कि अंधकार और अज्ञान अविद्याओं को बता रहे हैं, जिनकी सत्ता है, जो राज कर रहे हैं आसुरी संपदाएं, और उनका जो मेन वेपन है मोह यानी दुर्योधन, वो बहुत पावरफुल है, तो वो आपको स्टैब्लिश नहीं होने देगा, दैवी संपदाओं को स्टैब्लिश नहीं होने देगा। तो अगर अपने अधर्म करते हैं तो क्या करना चाहिए, तो अर्जुन नहीं समझ पा रहे। वो सोच रहे हैं कि भैया अब धर्म अधर्म छोड़ो और इस समय मामला निपटाओ, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं कि मामला निपटाओ किसी तरह कॉम्प्रोमाइज करके, झगड़ा नहीं चाहिए अपने को, अगर अधर्म व्याप्त है तो रहने दो, जैसा जो चल रहा है चलने दो,
फिलहाल मैटर को अभी टाल मटोल करो। और देखा जाए तो ऐसी स्थितियां तो इनके बीच में कई बार बनी। दिनेश जी, भावना जी, साक्षी, आप लोग के वीडियो ऑन रहने चाहिए। ये स्थिति तो पहले भी कई बार बनती है जब युद्ध होते हैं, पर अब कहीं ना कहीं आप शरीर के रिश्तों को काउंटिंग में ले रहे हो, मोह की वजह से ये बात आ रही। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझते हैं। शुरू में जैसा मैंने कहा, प्रत्येक साधक का भी यही स्थिति होती है। महात्मा बुद्ध का कहना है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने आप को महान ज्ञानी समझता है। जब आधे से आगे की जानकारी हासिल होने लगती है तब उसे समझ में आता है अधूरी जानकारी क्या होती है। अभी तो अर्जुन भी ज्ञानी समझ रहे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर उन्हें समझ आएगा कि उनका कर्तव्य क्या है। क्या वो शरीर है या उनके परे आत्मा है, मोह क्या है, कर्म क्या है, ये समझ में धीरे धीरे आएगा। और अर्जुन को तो ये लग रहा है कि ज्यादा अच्छा होगा इन लोगों का, धृतराष्ट्र के पुत्रों का सामना करने से अच्छा है कि वे ही मुझे मार दें। जो भी हम श्लोक पर सुन रहे थे वो ज्यादा कल्याणकारी होगा। वो कहते हैं कि इतिहास कहेगा कि अर्जुन समझदार था, देखो उसने अपनी बलि दे दी, युद्ध बचा लिया, कितने लोगों की प्राण बचा लिए, अपने प्राणों की आहुति देके। भोले भाले बच्चे सुखी रहेंगे, सब दुआ देंगे, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि अधर्म बढ़ता जाएगा, अज्ञान बढ़ता जाएगा और इसका क्या अंत होगा। तो मोह इतना प्रबल होता है कि इंसान सही और गलत में डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, वो आंखें मूंद लेना चाहता है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि जो शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वो रण में मुझे मार दें और यही अत्यंत कल्याणकारी होगा। संजय बोले कि रणभूमि में शोक से भरे हुए अर्जुन इस प्रकार बात कर रहे हैं। तो ये सारा डायलेक्ट अभी सबको समझ आ रहा है। अंतिम श्लोक सुनते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। अब एक बार एक समराइजेशन करने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकलता है। गीता, श्रीमद् भगवद गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध का एक तरीके से निरूपण है। ये एक तरीके का गायन है, क्योंकि भगवत गीता मीन्स गायन। जिस क्षेत्र में होता है वही वह युद्ध क्षेत्र क्या है?
शरीर है और इसमें दो प्रवृत्तियां हैं, दैवी आसुरी। जब दैवी एनहांस्ड होती है तब धर्म क्षेत्र, और जब आसुरी होती है तो कुरुक्षेत्र। और कुछ करना होता है, कुछ कुरु मीन्स करो, सो दैट दैवी संपदा वापस रिस्टैब्लिश हो सके। तो उन सेनाओं का जो स्वरूप है और उनके बल का आधार हम देखते हैं पहले अध्याय में, और शंख ध्वनि से उनके पराक्रम की जानकारी मिलती है। और जिस सेना से लड़ना है उसका निरीक्षण होता है, उसकी गणना 18 अक्षौहिणी यानी देखा जाए तो 6.5 अरब के आसपास कहीं है, यानी आप समझ लो अनंत। 6.5 अरब मतलब अनंत। आप जब भी भगवद गीता को समझें, अपने अंदर ले जाएं, हृदय में, अपने जीवन में ले जाएं, अपनी लाइफ के कंटेक्स्ट में लेके जाएं, राइट रॉन्ग, मैं कौन हूं, क्या ईश्वर केवल अर्जुन के लिए उपलब्ध थे, नहीं मेरे लिए भी हैं, इन भाव से सुने। देवी संपदा को साध कर ही आसुरी संपदा को अंत किया जाता है, तभी इस सनातन परब्रह्म के दिग्दर्शन होते हैं, जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन होते हैं। अर्जुन को सैन्य निरीक्षण में अपना परिवार दिखाई देता है, जैसे जब हम मोह में होते हैं तो हमें मैं और मेरा दिखाई देता है, हम चाहते हैं इस समय चीज को पोस्टपोन करें कैसे भी देखें, तो अर्जुन को जिन्हें मारना है उन्हें वो दिख रहे हैं। उसका जगत वही है जो उसके संबंध है। अनुराग के पहले चरण में पारिवारिक मोह बंधन बनता है, साधक जब देखता है कि बड़े प्यारे संबंध हैं और इनसे संबंध विच्छेद हो जाएगा, जैसे वे थे अब नहीं रहेंगे, तो उसे घबराहट होती है। देखिए इंसान अपने संबंधों को लेके कितना डरा हुआ होता है, वो किसी को पसंद नहीं कर रहा तब भी वो नहीं चाहता कि वो दूर जाए। और मोह तो अर्जुन में अनुराग से बढ़कर मोह तो दिख ही रहा है, बट वो कुल धर्म को सनातन धर्म भी कह रहे हैं और कहते हैं सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, वो अपनी समझ लगा रहे। भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि हमें समझदारी से काम करना चाहिए, सुनते हैं धैर्य से और कहते मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक सामान्य व्यक्ति ऐसा ही करेगा जो करुणामयी हो। तो कुछ लोग इसे संशय विषाद योग कहते हैं, कुछ अर्जुन विषाद योग कहते हैं, क्योंकि ये अर्जुन यानी अनुराग जो है उनका कंफ्यूजन है, उनका डाउट है, जिससे कि ये पूरा क्वेरी जो उनकी है जिससे पूरी सॉल्यूशंस मिलने शुरू। और सही मायने में एक गुरु और शिष्य के बीच में जो सही बात कही सुनी जाती है वो तब होती है जब एक प्रश्न उठाया जाए और शिष्य अपने गुरु में से अंदर से निकाल लेता है। मैक्सिमम ग्रंथ डायलेक्ट्स दो लोगों के बीच में, मल्टीपल लोगों के बीच में, जब जब एक अच्छा प्रश्न पूछा गया तो गुरु अंतःकरण में जाता है, अनुभवों में से निकाल के कितना कुछ एक
समझ लो लुटिया में डाल के देता। ज्यादातर ग्रंथ डायलेक्ट से। और आज प्रस्थानत्रयी की चर्चा हुई और आखिरी श्लोक आपने सुना जो उपनिषद ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता की बात करता है। अगर एक व्यक्ति इन तीन को भी साध ले तो वेदांत दर्शन पूर्ण है। कितनी असीम कृपा है ईश्वर की कि उन्होंने ये संभव हम सबके लिए किया। हमें निरंतर अपनी पात्रता को बढ़ाना है कि हम और बेटर इन्हें समझ पाए। लेकिन हम सारी सत्ता को बाहर होते नहीं देख रहे, इसे एक वॉर की तरह नहीं देख रहे। हम योगिक दृष्टि से अपने अंदर घटित होता हुआ देख रहे हैं। हम कहां झिझक रहे हैं, कहां पहला कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। संयम क्या है, अंधकार क्या है, मोह क्या है, अनुराग क्या है, कौन हमारे लिए बेड़ियां बनता है आगे बढ़ने में। और ये जो पूरा संवाद है, ये सब कहीं ना कहीं हमारे कंटेक्स्ट में ही है। आज भी भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमेशा हर कंटेक्स्ट में हर समय पर लोगों को उसने मदद करी। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। हरि ओम तत्सत।